फोन को अपनी लुगाई समझते हैं, व्हाट्सएप को अपनी साली समझते हैं, दिन भर व्हाट्सएप से चिपके रहते हैं, फोन से चिपके रहते हैं, कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, तरह तरह के मैसेज करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चीजें भेजते हैं, आपस में लेन देन भी होता है व्हाट्सएप में। मतलब यार व्हाट्सएप आजकल हमारी जिंदगी बन चुका है। जब तक हमारे हाथ में फोन नहीं होता ना, ऐसा लगता है भाई कुछ खोस आ गया है। अभी व्हाट्सएप ने अभी आपको एक नया फीचर दे दिया है जहां पर आप अपने व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू। चलिए ये फीचर तो बहुत अच्छा है, बट यदि आप व्हाट्सएप के यूजर हैं तो भाई ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आपके पास स्मार्टफोन है तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा और साथ में अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कि यार आजकल की दुनिया में क्या कारनामे हो रहे हैं। वैसे सबसे बड़ा कारनामा ये हो रहा है कि यार आजकल हमारे फोन में जो भी डेटा है वो सिक्योर नहीं है। ये डेटा किसी के पास भी जा सकता है, चाहे आप इसकी सुरक्षा जितनी भी कर लें। अब मैं आपको ये बता दूं, व्हाट्सएप ने खुद मान लिया है कि यार उनका जो व्हाट्सएप है ना वो हैक हो जाता है टाइम टू टाइम। और अभी एक इजराइल की कंपनी है, उन्होंने एक नया स्पाईवेयर इजाद कर दिया है, जो स्पाईवेयर आपके व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। बस यार आपके व्हाट्सएप में एक कॉल आएगी और बस धड़ल्ले से आपकी हर एक चीज कॉपी हो जाएगी और जो बाहर बैठे हैं वो आपकी हर एक चीज को चोरी कर सकते हैं, चाहे आपके मैसेज हो, चाहे आपकी लोकेशन हो, चाहे आपके प्राइवेट फोटो हो या आपके फोन में कुछ भी हो, आपकी हर एक चीज में उनकी नजर होगी। मतलब यार हमारा जो व्हाट्सएप है चाहे जितना कहा जाए इनक्रिप्टेड है, वो सिक्योर नहीं है। यदि आप व्हाट्सएप में तरह तरह की चीजें शेयर करते हैं तो कृपया करके आप वो सारी की सारी चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो पर्सनल चीजें हैं यदि वो किसी के साथ शेयर हो गई तब भैया हमारा नुकसान हो जाएगा। अब यार किस्मत का क्या भरोसा, कब कहां क्या हो जाए, लेकिन हम थोड़ी सी सुरक्षा तो बरत ही सकते हैं। व्हाट्सएप ने यह भी मान लिया है कि यार इंडिया में 121 ऐसे लोग हैं जो इस स्पाईवेयर के शिकार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में लमसम 1400 लोग हैं जहां पर ये स्पाईवेयर आ चुका है। मतलब उनका जो डेटा है वो सारा का सारा हैक हो चुका है, हर एक चीज शेयर हो चुकी है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपने फोन को यूज करते हैं बिंदास यूज करिए, चाहे आप रियलमी यूज करिए, चाहे आप शाओमी यूज करिए, चाहे आप सैमसंग यूज करिए, चाहे आप नोकिया यूज करिए या किसी भी कंपनी का फोन यूज करिए, लेकिन यार फोन को फोन जैसे यूज करिए। आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो भाई पर्सनल ही रखिए, उसे कहीं और सेव कर लीजिए। ऐसा ना हो जाए कहीं आपका फोन चोरी हो जाए, कहीं आपके फोन में कोई ऐसा स्पाईवेयर आ जाए जो आपकी हर एक चीज को चोरी कर ले जाए, चाहे वो आपकी पर्सनल फोटो हो, चाहे आपका पर्सनल डेटा हो या आपकी कोई भी चीज हो। क्योंकि यार जब चीजें गलत हो जाती है ना, सबसे बड़ा नुकसान आपका होता है। और मैं नहीं चाहता जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके साथ कोई भी गलत काम हो जाए, तो कृपया करके अपनी पर्सनल चीजों को अपने साथ चिपका के रखिए, लेकिन फोन से मत चिपकाएं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो हैकर हैं वो भी एक्टिव हो जा रहे हैं। अब तो यार हमारा व्हाट्सएप भी सिक्योर नहीं है, दिन रात हम उससे चिपके रहते हैं, तो भैया अब गारंटी मैं किसकी ले लूं। वैसे आज की वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि यार ये वीडियो सब तक जाना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। फेसबुक में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, जहां आप शेयर करना चाहें वहां शेयर करिए। बस यार मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपकी सुरक्षा बहुत ज्यादा मस्ट है, और साथ में जब आप सुरक्षित रहेंगे ना तो भैया बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।